देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। सहारनपुर में अम्बाला रोड स्थित गुरु नानक इंटर कॉलेज में सभी व्यापारी संगठनों ने इकट्ठा होकर एक मत से सिंगल पॉइंट जीएसटी का समर्थन किया और 2 मई को सभी व्यापारी मंडल के सभी सदस्य प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इससे व्यापारियों को जीएसटी जमा करने और बार बार रिटर्न जमा करने से छुटकारा मिलेगा। वहीं व्यापारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो विशाल व्यापारी सम्मेलन दिल्ली में किया जाएगा। भाई हम सब लोग यहाँ व्यापार मंडल तमाम व्यापार मंडल करते हुए हम सब लोगों की एक ही मांग है कि सिंगल जीएसटी लागू किया जाए जो कि केवल मैन्युफैक्चरर पर लागू हो। जब उसके बाद उस पर लागू होगी तो निश्चित तौर पर कंज्यूमर उसका भुगतान करेगा ही करेगा। उससे ट्रेडर को फ़ायदा होने का काम हुआ। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मात्र 15% है और ट्रेडर लगभग देश में 80-85% ट्रेडर है। हम यही चाहते हैं कि एकल टैक्स लग जाए, तमाम झंझट जो IGST है, CGST है, SGST है, वो सब खत्म हो जाए, केवल एक टैक्स हो। क्योंकि मोदी जी का एक ही नारा था, एक देश एक टैक्स। आज से 9-10 माह पूर्व GST लागू हुआ, उसके वक्र जाल में व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ। उसमें व्यापारी इस कदर फंस गया कि ना तो वो अपना व्यापार कर पाया, ना उसे कंप्यूटर चलाना आता था, ना उसे वी बिल बनाना आता था, इस कदर परेशान रहा। अब हम जो चाहते हैं कि जो निर्माता है जहाँ से माल की निकासी होती है उस जगह पर एकल टैक्स बिंदु GST लगे, जिससे व्यापारियों की समस्या का समाधान हो सके। हम लोग GST की खामियों को लेकर जो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री विपिन बंसल जी ने कुछ दिन पहले GST की कमियों को लेकर जो व्यापारी तनाव में था, व्यापारी GST की वजह से अपना व्यापार खुलकर नहीं कर रहा था, उसकी वजह से एक सुझाव दिया था, एक मांग पत्र दिया था सिंगल पॉइंट GST लागू की जाए। उस मांग पत्र को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार करते हुए अरुण जेटली वित्त मंत्री भारत सरकार को यह कहा था कि मांग पत्र के संबंधित लोगों को बुलाकर उनकी बात को सुना जाए, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस पर विचार होगा। उसके विषय में लेकर हम पूरे भारतवर्ष में सभी जनपदों में, कस्बों में, गाँव में, जहाँ भी व्यापारी समाज रहता है, हम अपना मांग पत्र एकल बिंदु GST सिंगल पॉइंट GST को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित करेंगे। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।